जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नितेश। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग F62 के बारे में, जो आज ही फिलहाल लॉन्च हुआ है और कैसा लगा मुझे स्मार्टफोन। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, मतलब एक ओपिनियन शेयर करेंगे। अब तो वीडियो मिली होंगी, सब ने आपको पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव किसी ने नहीं बताएंगे। मैं आपको नेगेटिव भी बताऊंगा और पॉजिटिव भी, दोनों चीज़ इसके अंदर आपको बता दूंगा इस स्मार्टफोन के बारे में। भाई सैमसंग इंडियन मार्केट में कमाल पे कमाल किए जा रहा है, मतलब हर एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन हैं सैमसंग के जो लॉन्च किए जा रहे हैं, और उनकी प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव रख रहा है इंडियन मार्केट में। बाहर मार्केट में उसकी प्राइस ज़्यादा रखता है सैमसंग, लेकिन इंडियन मार्केट में कम प्राइस रखता है सैमसंग उन स्मार्टफोन की। और आज सैमसंग ने अपना सैमसंग F62 लॉन्च कर दिया है। उसका मतलब एक तरीके का फ्लैगशिप है सैमसंग का, सस्ता फ्लैगशिप देखने को मिल जाता है ये स्मार्टफोन। और इसके अंदर आपको प्रोसेसर डाला गया जो वो है 9825, मतलब एक्सिनोज 9825 प्रोसेसर आपको इसके अंदर डाल दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है। आपको नोट 10 प्लस में आपको यही प्रोसेसर देखने को मिला था, क्योंकि वो 2019 का फ्लैगशिप स्मार्टफोन था और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, और आज भी बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और जो मेन चीज़ होती है स्मार्टफोन की वो होती है डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन सैमसंग ने जो सबसे बड़ी की बात कर दी है, उसके साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का कॉम्बिनेशन बिठा दिया है। मतलब ये कोई भी मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे देते, क्योंकि उसकी तरफ बहुत सारे इंडियन मार्केट में लोग अट्रैक्टिव होते हैं और मॉन्स्टर होते रहते हैं। तो सैमसंग ने इसके अंदर मॉन्स्टर ही बैटरी डाल दी, 7000 mAh की बैटरी डाल दी है, जिसके साथ कॉम्बिनेशन बिठाया 25W के चार्जर का। मतलब आपको 2 घंटे ढाई घंटे में आपको फोन चार्ज फुल कर देगी 7000 mAh की बैटरी। आप 3 दिन तक तो चलेगी, इतना यूसेज गाना हमारा 3 दिन तक तो मेरे पास चल सकती है 7000 mAh की बैटरी। जो मेरे पास स्मार्टफोन उसमें 4000 mAh की बैटरी है, और उसको मैं 1.5 दिन तक चला देता हूँ, 1.5 दिन तक तो कम से कम चल ही जाती है मेरी। इसकी प्राइस सैमसंग ने 6GB और 128GB की 24,000 रुपये रखी है इंडियन मार्केट में, और इसकी प्राइस के हिसाब से मुझे ये स्मार्टफोन वर्थ इट लगता भी है, नहीं भी लगता है, आपको बताता हूँ क्यों नहीं लगता है। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बता देता हूँ। पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट के निशान बहुत जल्दी दिखने लग जाएंगे। मतलब इतना अच्छी फीलिंग आपको नहीं आएगी, फ्लैगशिप फोन जैसी फीलिंग आपको इसके अंदर आने नहीं वाली। आप इसको पकड़ोगे जब आपको लगेगा कि कोई प्लास्टिक का सस्ता स्मार्टफोन हमने पकड़ा हुआ है। और बात करते हैं जिसकी तरह जिस वजह से बहुत सारे लोग इसको स्किप करेंगे, 5G। हाँ जी, इंडियन मार्केट में 2021 का ट्रेंड है 5G, मतलब आने भी वाला है 5G इंडियन मार्केट में, तो सब 5G फ़ोन प्रेफर कर रहे हैं 20,000 के अंदर, और कंपनीज के बहुत सारे 5G स्मार्टफोन के ऑप्शन उनके पास है। लेकिन सैमसंग ने क्या किया, आप 4G स्मार्टफोन 24,000 में लॉन्च कर दिया। कौन जाएगा भाई, कौन लेगा 5G स्मार्टफोन? लेंगे सभी 20,000 रुपये में, सभी 5G स्मार्टफोन लेंगे, जो थोड़े यंगस्टर्स हैं वो सभी लेंगे। मतलब सैमसंग ने ये गलत चीज़ की, जिसकी वजह से सैमसंग की मार्केट बहुत डाउन आने वाली स्मार्टफोन को लेकर। तो ये थे मेरे कंक्लूजन, पॉजिटिव भी बता दिए मैंने, नेगेटिव भी बता दिए, और इसके अंदर आपको पीछे की तरफ 4 आंखें देखने को मिल जाती हैं, जो कि एक काम की होती है, 2 काम की होती हैं और बाकी तो बेकार होती हैं। 2 ही काम की आपको टेलीफोटो देते तो और अच्छा होता, लेकिन 2 ही आंखें आपकी काम की होती हैं स्मार्टफोन के अंदर। तो ये थी वीडियो छोटी सी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम हफ्ते में 3 तो लाते ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।